तुम आप उधर जाइए चलो बोले जी इंग्लिश मिक्स अप करेंगे बोला स्वरा जी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ट्रेलर देखा होगा आपने और बिल्कुल मैंने बरेली की बर्फी का ट्रेलर भी देखा है मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी है एक्चुअली अश्विनी मेरी दोस्त हैं नील बटे सन्नाटा उन्होंने उनकी पहली फिल्म थी आई थिंक कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है एंड आई नो इट विल बी एन अमेजिंग फिल्म बिकॉज इट्स एन अमेजिंग स्क्रिप्ट ऑल्सो अश्विनी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड गुड डायरेक्टर एंड उन्होंने इस बार जो कास्ट भी तैयार करी है वो भी बहुत ही कमाल की कास्ट है एंड बहुत ही फन जोन की फिल्म है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट नील बटे टू जो इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ सकता है ओ गॉड मुझे लगता है चंदा बुढ़ी हो गई होगी और नहीं इसलिए आई होप नहीं आए आपको पसंद नहीं और नील बटे जैसी फिल्म बनाए लेकिन नील बटे को स्पेशल रहने देते हैं आई डोंट थिंक दे कैन बी अनदर फिल्म लाइक नील बटे सारा कोई भी मुद्दा और मुद्दे पे आप आवाज उठाती हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं दिमाग खराब है मेरा नहीं ऑफ कोर्स यू आर वेरी ऑनेस्ट यू नो सेंसर बोर्ड को लेके भी अब लोग बदल गए हैं प्रसून जी आ गए हैं हाउ हैप्पी यू आर एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट आई थिंक कि खैर आई मीन हर इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप बदलती रहती है बट आई थिंक दैट प्रसून सर को पूरी इंडस्ट्री वेलकम कर रही है वो एक कवि हैं साहित्य से उनका नाता है एंड आई थिंक कि कोई भी पर्सन हु इज़ क्रिएटिव और जो खुद भी क्रिएटिव हैं वो समझते हैं कि कोई भी कलात्मक एक्सप्रेशन क्रिएटिव एक्सप्रेशन आज़ादी के माहौल में हो सकता है तभी हो सकता है जब आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी है एंड आई एम श्योर प्रसून सर विल अप्रिशिएट दैट एंड इसका अच्छा ही असर और सकारात्मक असर पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर एक आखिरी सवाल की जो आपका गेटअप है काफी हां प्लीज ये ले लो डिफरेंट है तो कुछ उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी तीन चार इवेंट करके आई हूं आज मैं फैशन वीक में मसाबा के शो के लिए गई थी मसाबाज कॉस्ट्यूम कैसा था लक्ष्मी मतलब बहुत ही बेहतरीन मसाबा का इज अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर बहुत अच्छा शो रहा उनका बहुत अच्छा कलेक्शन है उनका नया एंड अच्छा होता है हमें ना पता चल जाता है साल भर क्या पहन रहे होंगे हम ओके सर व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट मैं वीरे दी वेडिंग की शूटिंग की तैयारी कर रही हूँ और सितंबर में हम शूट शुरू करेंगे सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट थैंक यू industry is here the people from the a little bit nervousness a little bit excitement to hota hi hai hona bhi chahiye har exam ke result se pehle thoda bahut hota hai it's normal yeah aur ab kuch hi din baki reh gaye aapki film ko release hone mein to kya kuch aapke doston kya kuch feedback mila trailer ko leke gaane ko lekar I think everybody has unanimously liked the trailer and the songs which is very important for a film like this it's important for it to be reached you know to reach the audience that it's meant for and I think trailer jo hai hamari true jhalak hai film ki to agar trailer pasand aa raha hai to hopefully fingers crossed logo ko film bhi pasand aaye and it's a light fun film it's a light slice of life film so I really hope people enjoy it ab tak ka sabse best compliment aur bahut positive vibes hai film ko lekar teaser ko lekar aur promotion bhi bahut bahut zyada kiya aap logon ne har jagah ko choda hi nahi hai promotion to khair it's become a part of filmmaking but I think ek compliment main nahi soch pa rahi hu but mere friends meri family meri relatives pehli baar mujhe ek thode alag andaaz mein dekh rahe hain so they've liked the character so far what they've seen in the trailer aur they are all very excited to watch the film so let's see what the response is after okay thank you हेलो अश्विनी अय्यर तिवारी आपकी कौन है आपकी कौन है मम्मा और पापा ने क्या किया फिल्म में नितेश तिवारी जी ने क्या किया है दंगल बनाया नितेश जी क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है पॉजिटिव वाइब्स है एक क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है डायलॉग प्रोमोस को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है गानों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो एज ए राइटर आई फील वेरी हैप्पी ऑल्सो एज ए हस्बैंड ऑल्सो आई फील वेरी प्राउड of
what Ashwiny has achieved with this film. So I think I would like to wish all the best to all of us, and I hope people will really like the film. We've made it with a lot of love. I hope people can see it in the film and people will walk out of the theater smiling. Okay, if you can come in the center, sir. 1 minute, yeah. Yeah, bilkul side ho raha hai profile. Thoda sa sir, yahan pe aa jaiye. Acha. ओके सर, नितिन जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमने अश्विनी जी की फिल्म देखी नील बटे सन्नाटा, लोगों ने काफ़ी सराहा, और आपकी हमने फिल्म देखी दंगल, और अब बरेली की बर्फी हम अश्विनी जी की फिर से देख रहे हैं, हर जगह अप्रिसिएट किया ट्रेलर, लोगों को बहुत ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन होता है कि अगर आप इक्का निकालेंगे तो हम हुकुम का इक्का निकालेंगे, ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे के साथ में? नहीं नहीं, वो मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमारे बीच में एक काफ़ी सुलझी हुई अंडरस्टैंडिंग है. हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. अश्विनी बहुत अलग डायरेक्टर हैं, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है. हमारा काम एज ए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के काम को सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, और अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपने अपने तरह से जीना है. उससे इधर पॉसिबिलिटी ऑफ दंगल 2 सक्सेस तो हमने देखा लोगों ने. एक्चुअली I can't say, you know, it's too early. Dangal is still too fresh in all our hearts, not just mine. I don't rule out anything. If there is something which is really, really exciting, if something very different which can be done, and if something fresh can be presented absolutely altogether, then why not? Sir, are you happy? Aamir sir se aapki baat hui hogi. Is samay wo ek bimari se is waqt wo thoda alert hai. जी हाँ, ना मैंने उनको डिस्टर्ब करने की वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको डिस्टर्ब करता. मैंने सिर्फ उनको गेट वेल सून का मैसेज भेजा था, और मेरे ख्याल से वो अभी भी शायद रिकवर कर रहे हैं. नॉट टू श्योर. ओके, आर यू हैप्पी विद द चेंजेस इन द सेंस अबाउट सपोर्टिंग जोशी इज अ न्यू हेड? आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग्स. यू नो, वी कैन टॉक अबाउट बरेली की बर्फी एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव आंसर्स. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आप लोग बोलेंगे तभी रोलो. ढेरों सारे अप्रिसिएट मिल रहे हैं इस फिल्म को लेकर. हमने इंटरव्यू भी किया तो एक बात जो सबसे सामने निकल के आई कि हमने आपको एक पोस्टर में साड़ी में लिपटे हुए देखा. कोई खास वजह? इन्होंने हाँ, जो मेरा किरदार नहीं, मेरा जो किरदार, मेरा जो कैरेक्टर है प्रीतम विद्रोही, वो एक साड़ी सेल्समैन है, तो वो साड़ी बेचने का काम करता है. तो उसकी एक ऐसी एक कला है जिसमें वो बहुत निपुण है. वो बहुत आसानी से साड़ी पहन सकता है, साड़ी बेच सकता है. तो वो फिल्म का एक हिस्सा है हमारी. तो उसी कैरेक्टर के जरिए मैं सोचता हूँ ये इंटरेस्टिंग इमेज होगा कि अगर हम उसको ऐसा साड़ी लपेटे हुए दिखाएंगे तो. ओके, राज बहुत पॉजिटिव वाइब है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है फिल्म का, बहुत लोगों तक पहुँच भी रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब है. आर यू नर्वस? आई एम हैप्पी, आई एम नर्वस, मिक्स फीलिंग्स. आई थिंक इट्स अबाउट टू रिलीज नाउ, डे आफ्टर इट्स रिलीज, सो वी आर जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज नाउ. आई थिंक वी हैव डन अ जॉब, नाउ इट्स इन योर हैंड. ओके, क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आपको इंडस्ट्री से अगर बात करें? पीपल आर लाइकिंग द ट्रेलर. आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी. वी आर एक्चुअली क्वाइट ओवरवेलमिंग द काइंड ऑफ रिएक्शन वी गेटिंग फॉर द ट्रेलर, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज द ट्रेलर इज योर फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू हैव फॉर द फिल्म. एंड सो वी आर रियली होपफुल नाउ. आई थिंक लेट्स सी, फ्राइडे विल टेल अस. ओके, द न्यू सेंसर बोर्ड इज गुड, हेड इज हियर, प्रसून जोशी, आर यू हैप्पी विद? यू नो, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वी ऑल आर वेरी हैप्पी. वी ऑल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वी ऑल लव हिम अ लॉट. ही इज रियली we all respect him and love him, and he's really, of course, he's very senior, and he knows his job really well, and I'm sure he will understand, you know, the kind of problem that all of us were going through, and we're really hopeful that we'll have a better times at the censor board now. Okay, the last one, Newton ke look ko bhi bahut pasand kara ja raha hai. The teaser is out, people yes, are loving thank it. You. Raj, how happy you are? You know, I'm very happy. I'm you know, as an actor, that's what I want. I want to do exciting work and different work. I want to look different and work differently in all my films when it comes to acting. So now Bose's look is out, and now Newton is out, and Bareilly is releasing. So I'm very happy. I think exciting times ahead. You look damn good in that curly hair in Newton. thank you. That was a task here. I used to take around 2.5-3 hours every day for that curl. ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा, और नितेश सर और श्रेयस इन सब ने लिखी है, तो वैसी दंगल टीम. सो
बहुत ही एक्साइटेड हूँ. You are quite popular in China and worldwide. Am I? Yeah. I don't know. The film बहुत अच्छा कर रही है. You know what? इस तरह से जो आपको fame मिल रहा है उसको आप क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ fame नहीं मिल रहा यार. I mean, people don't recognize me. So, छोटे बाल चले गए, लंबे हो गए थोड़े, तो confusion होता है. अच्छा, आपकी वैसा. Okay. Any next project you want to share? Thugs of Hindustan. उसके अलावा? नहीं नहीं, बस एक ही. That's a popular one. बस okay. And one thing I want to know, आपकी आमिर सर से बात हुई क्योंकि इस वक्त वो थोड़े एक बीमारी से अभी थोड़ी लग. हाँ, actually मैंने किरण मैम को उन दोनों को विश किया था कि get well soon, but I think both of them are little better right now. So, okay. Are you busy in shooting for Thug? Hi. Hey. Next month मेरा next career. ओके, चलिए. बर्फी कितना पसंद करती है खाना? बर्फी अब तो सब छूट गया है. अरे, वेट पुट ऑन कर लूँगी अगर मैं कुछ खाऊँगी तो. मिठाई तो दूर की, सपना एक. तो कौन कौन सी मिठाइयों में आप क्या क्या पसंद करती है अगर आपको? क्या पूछ रहे हो? मिठाई? चॉकलेट्स. चॉकलेट. आपको कौन सी पसंद है? बर्फी. चाहेंगे कि 18th ऑफ अगस्त को आपके देवर की वेब सीरीज आ रही है और 18th ऑफ अगस्त को आपके हबी की फिल्म आ रही है, तो आप कौन सी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? तो मुझे लगता है कि आई एम लकी फॉर द बोथ ऑफ देम. आई टेक द एंटायर क्रेडिट और मैं दोनों के लिए बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. इनफैक्ट अभी भी पहले पारशक्ति की स्क्रीनिंग पे गए और फिर आयुष में आए. कांट अवॉइड any one of them. I love them both. तो कैसा लगा आपको बरेली की बर्फी का ट्रेलर? बहुत अच्छा लगा. मैंने तो मूवी भी देख ली है, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी. बहुत खूब है एंड आई रियली होप इट डज वेल. इनके किरदार के बारे में कुछ जरा बताइए हमें कि मतलब कैसे लगे आपको ये स्क्रीन पे और ये इनके किरदार के बारे में जरा कुछ बताइए. अच्छा, मैं आपको देख के बोल रहा हूं. आई एम नॉट यूज्ड टू दिस. हां, बोलो. इनके बारे में ही इज़ डन अ गुड जॉब एंड इनसे ज़्यादा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी अदर को एक्टर्स ऑल्सो. दे आर डन ब्रिलियंट. कृति एंड राज, दे बोथ हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. थ्री ऑफ देम, तीनों बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस जहाँ पर तीन एक्टर्स आर गिविंग स्पेस टू ईच अदर. दे नॉट कटिंग इन टू ईच अदर स्पेस एंड इट कम्स आउट रियली नाइसली. आई हैव सीन दैट एंड आई थिंक something to do with his reproductive organ. I think if the entire nation is obsessed with it and Vicky Donner did really well and I really hope this does well also. अच्छा, इतने बिजी रहते हैं काम में, मतलब शुभ मंगल सावधान भी आ रही है और ये अब इनकी बर्फी की बर्फी, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग अपना दिनचर्या? आप लोग अगर मिल लेते हैं बस रात को. he's busy and I'm happy and he's doing well for himself. या मिल लेते हैं, हम बात हो जाती है. टेक्नोलॉजी है, एसएमएस है, मैसेजिंग है, सब कुछ हो जाता है. ओके ओके, अक्षमान मेरे से बात करते रहते हो आप, फिर क्या पूछोगे? नहीं, आर यू नर्वस? यू नो रिलीज है और बहुत एक्सपेक्टेशन है और प्रमोशन किस कदर का प्रमोशन किया यार, मतलब बहुत दोगे क्या? इसकी प्रमोशंस काफी अच्छी हुई है. पहली बार किसी फिल्म की भी अच्छी प्रमोशन हुई है बरेली की बर्फी. और बस उम्मीद करते हैं जैसे ट्रेलर अच्छा लगा वैसे फिल्म भी अच्छी लगे. और अब इसके बाद मैं दूसरी शुभ मंगल सावधान में बिजी हो जाऊंगा, उसका शुरू हो गया है. तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द फिल्म्स. ओके, आर यू नर्वस? नर्वस और एक्साइटमेंट दोनों है क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है, लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है तो वो उम्मीद रखते हैं कुछ अच्छी फिल्म इनको लगे. और मैं चाहता हूँ कि इनको लगे कि इनको फनी लगे, क्वर्की लगे, अच्छी लगे, फैमिली एंटरटेनर लगे. फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. अच्छा, इनको मिठाई में इनको बर्फी बहुत पसंद है, आप बताइए आपको क्या पसंद है? मुझे बेसन की बर्फी अच्छी लगती है. जाना है यशराज, जाना है. ओके ओके, द लास्ट वन सेंसर बोर्ड हैड बीन चेंज है ना, प्रसून जोशी द न्यू वन. हाउ हैप्पी यू आर? खुशी मना रहे हम. शुभ मंगल सावधान अब कट्स कम होंगे अब क्योंकि आई थिंक वो थोड़े और आर्ट को प्रोत्साहन देंगे और इनकरेज करेंगे क्योंकि वो खुद रंग दे बसंती जैसी फिल्में लिख चुके हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर हैं, तो उससे आई थिंक थोड़ा और आर्ट को प्रोग्रेसिव बनाएंगे. तो यू आर हैप्पी स्पेशली फॉर शुभ मंगल सावधान. शुभ मंगल सावधान के लिए बहुत ही खुश हैं हम. विजय बालन और प्रसून जोशी आए हैं. थैंक यू. जल्दी आ.